मैं डॉक्टर पंकज जोगले, डायरेक्टर एंटीसिटी हॉस्पिटल। आज बताना चाहूंगा एक केस के बारे में, इसका जो कहते हैं बेल्स पाल्सी। अब बेल्स पाल्सी होता क्या है? बहलान जी फोन करा, जैसे आप देख पा रहे होंगे ई करा, इस साइड का फेस इनका नॉर्मल है, इस साइड का फेस मूवमेंट नहीं कर रहा, इनका हाफ फेस पैरालाइज है। जैसे हमारा रूटीन पैरालिसिस होता है जिसमें हाफ फेस हाथ पैर जाते हैं, ये वैसा पैरालिसिस नहीं है, ये हाफ फेस का पैरालिसिस जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेल्स पाल्सी के कारण क्या है? अब जैसे हम देखा जाए कि इनके कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। अब होता क्या है कि जो पहले की नस होती है जो फेशियल नर्व कहते हैं, वो कान के थ्रू आती है। अब उनके कान को कुछ डैमेज हुआ होगा या फिर वायरस इन्फेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं हर्पीस। अभी तो ठीक हो रहा है, इनके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हर्पीस की वजह से इनकी फेशियल नर्व नर्व डब गई थी, उसकी वजह से इनको ये हाफ साइड पैरालाइज हो गए। इसके दूसरे कारण है कि फेशियल नर्व को कुछ ट्रॉमा पहुंचा हो या कुछ हानि पहुंची हो, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में कारण पता नहीं चलता है जिसे इडियोपैथिक कहते हैं। ट्रीटमेंट इसमें होता है, जैसे इनका ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी तो हर्पीस है, तो हर्पीस का ट्रीटमेंट दीजिए, अकॉर्डिंगली आपको इस साइड का फेशियल मसाज करना है, फिजियोथेरेपी करना है, जिससे ये रिकवर होगा। रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, सिम्टम्स रहते हैं कि पेशेंट की जो जिस साइड का पैरालाइज है आंख बंद नहीं होती, आंख बंद नहीं होती, जिससे होगा क्या कि वॉटरिंग आएगी, इस साइड का फेस एक्सप्रेशनलेस हो गया है, यहाँ से सलाइवा गया क्योंकि ये साइड पैरालाइज हो चुका है। इस साइड इस पर ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, इट कैन बी पार्ट ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब दिमाग में क्लॉट हो सकता है, तो जैसा ऐसा कुछ लगे तो एक सीटी जरूर करवाइए। सीटी करवाइए, बेसिक डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, सीटी करेगा, देन अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। ट्रीटमेंट इसका ऐसा है कि अगर आपके ब्रेन में क्लॉट है उसका ट्रीटमेंट एंटी क्लॉट मेजर्स में होता है। इनका जैसा हुआ था वायरस की वजह से, तो वायरस का ट्रीटमेंट कीजिए, ये रिकवर हो जाएगा, एंड देन दिस पार्ट को आने के लिए इट विल टेक 2 to 3 months, लेकिन उसकी फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। मैंने अभी खुबा करा, खुबा दिस साइड इज वीक, दिस इज द पीपल केस ऑफ बेल्स पाल्सी जिसे हम यूनिलैटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस कहते हैं। रीजन्स मल्टीपल हैं, जैसे मैंने बताया इडियोपैथिक, उसमें रीजन नहीं पता चलता, दूसरा स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन ब्रेन में स्ट्रोक, तीसरा हो सकता है हर्पीस इन्फेक्शन, या दूसरा कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो कान को इफेक्ट करे। लेफ्ट कान को अफेक्ट किया, लेफ्ट साइड का फेस हाफ पैरालाइज हो गया, इनके राइट कान में होता था तो राइट साइड का फेस पैरालाइज होता था। तो नॉर्मल पैरालिसिस और हाफ फेस पैरालिसिस में फर्क है। नॉर्मल पैरालिसिस मतलब आपका एक साइड पैरालाइज हो जाएगा, इस पैरालिसिस में सिर्फ पार्ट फेस का पार्ट पैरालाइज होता है, पूरी तरह ठीक हो जाता है कुछ वक्त लगता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस लगता है, उनका फिजियोथेरेपी प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेशेंट ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है।